बीच होते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेसी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनके द्वारा सम्मानित भी जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। वाकई में ये सर्वांग सर्वोत्तम ही है, उच्च शिक्षा से प्राप्त होनहार और कुशल ये कैडेट बीएससी बीएड और उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है। आयुष सिंह के लिए जोरदार तालियां। टेस्ट नंबर 368 बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा। तालियों में कोई कमी मत कीजिए, बड़ी मेहनत से दिन आता है, आपकी तालियां ही इनके लिए आशीर्वाद है, इनकी ऊर्जा है। साथियों, अब हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के जन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करेंगे कि हम सबके पुलिस परिवार के मुखिया परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर को एक स्मृति चिन्ह कृपया भेंट कर हम सभी को गौरव की अनुभूति कराएं। एक स्मृति चिन्ह पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के लिए। हम सभी को एक बहुत ही शानदार ये अवसर। सभी ये विजेता पुरस्कार विजेता विगत 6 माह में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने वाले ये कैडेट्स, आपको बताएं कि अंतः और बाह्य विषयों में भी जो हमारे कैडेट्स ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उन सभी को पुरस्कृत किया गया और उनमें से सर्वश्रेष्ठ ये कैडेट हमारे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर इन्हें आशीर्वाद दिया। हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण, उल्लास का क्षण, अपना बहुमूल्य समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दिया जा रहा है। आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाने वाला दिन, जब पीएसी परिवार में 399 ये रिक्रूट सम्मिलित होंगे और आज से शपथ ग्रहण के बाद अपनी सेवाएं देंगे। जिस अवसर की हम सभी को प्रतीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के सभी जनों की ओर से हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से कि अपने आशीर्वचनों से, अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, पीएससी रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, लखनऊ के पुलिस आयुक्त श्री डीके ठाकुर जी, रिक्रूट आरक्षियों के सभी परिवार के अभिभावक और अन्य परिवारजन,
उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 399 पीएसी आरक्षियों के दीक्षांत परेड के अवसर पर इनके शानदार परेड को देखकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। दीक्षांत परेड में शामिल इन सभी पीएसी रिक्रूट आरक्षियों के सफलतम प्रशिक्षण के लिए उनके प्रशिक्षकों का उनके प्रशिक्षण के लिए कार्य में लगे हुए प्रशिक्षक थे उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए पीएसी रिक्रूट आरक्षियों को उनके सफलतम प्रशिक्षण के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही उनके माता पिता, अभिभावक और परिजन जो दीक्षांत परेड का साक्षी स्वयं बन रहे हैं उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी भर्ती के लिए लंबित पड़े हुए थे। विगत 5 वर्ष के दौरान 1,62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक शरारत के तहत उत्तर प्रदेश पीएसी बल को समाप्त करने की जो साजिशें हो रही थी जिसके तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, आज जब मैं पीएसी रिक्रूट के आरक्षियों की शानदार परेड को देख रहा था तो मुझे स्वयं इस चीज का एहसास उस समय हो रहा था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर सेंध लगाने की कितनी बड़ी साजिश थी इन होनहार जवानों को प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने से रोकने के लिए कैसे उन कंपनियों को समाप्त करते हुए इन नौजवानों को प्रदेश और देश की सेवा से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया था। मुझे आत्मिक संतुष्टि है कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के 1,62,000 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का विस्तार करते हुए उन्हें सफलतम प्रशिक्षण देकर के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं। 2018 में चयनित 15,487 पीएसी रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था।
छह माह के अपने सफलतम प्रशिक्षण के कारण आज प्रदेश के 87 केंद्रों में यह दीक्षांत परेड का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए इन सभी बहादुर जवानों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और इनके मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न केवल भर्ती की प्रक्रिया बल्कि जो कार्यरत पुलिस कार्मिक हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से पदोन्नति भी प्राप्त हो सके और उसके फलस्वरूप अपने उच्च मनोबल के माध्यम से वे पूर्ण मनोयोग और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, इस पदोन्नति की प्रक्रिया को भी जो वर्षों से दशकों से लंबित पड़े हुए थे उन्हें भी सरकार ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। पुलिस कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था, उनके लिए आवासीय सुविधाएं नहीं थी, टूटे हुए बैरक थे, प्रशिक्षण आधे अधूरे थे, आधुनिक सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएससी के सभी बहालियों के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक और आवासीय सुविधा को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त देने की कार्रवाई को भी विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज हर एक पुलिस लाइन में पीएसी रिक्रूटमेंट सेंटर में और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में भी पर्याप्त मात्रा में बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य किया गया है। मेरा मानना रहा है कि दस और प्रशिक्षित पुलिस बल उच्च मनोबल के साथ जब कार्य करेगी तो अपने पूरे मनोयोग और निष्ठा के माध्यम से पूरे प्रदेश की छवि को सुधारने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं थी उन धारणाओं को आज हम लोगों ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह बदलने का कार्य किया है। आज हर एक व्यक्ति इस बात पर गौरव की अनुभूति कह सकता है 5 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि मैं भारत की हृदयस्थल निवासी हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य किया है आज उसकी सर्वत्र सराहना होती है। यह तब संभव हो पाया जब हमारे पुलिस और पीएसी बल के सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ नेशन फर्स्ट की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते थे, कुछ बेहतर परिणाम दिए। आज वही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर
बेहतरीन कानून व्यवस्था का परिणाम प्रदेश में बेहतरीन निवेश और प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से रोजगार सृजन की जो अनंत संभावनाएं विकसित हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक तबके के मन में सुरक्षा का जो भाव पैदा हुआ आज वह देखते हुए बनता है। और अभी नई सरकार के गठन के 100 दिन के अंदर जो बेहतरीन परिणाम आए हैं वो लोगों के लिए और भी पूरी दुनिया के लिए पूरे देश के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि अलग अलग स्थानों पर हो सकता है देश में कहीं कोई बात रही हो लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द पूरी मजबूती के साथ यहां पर देखने को मिला। जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था क्या नित नए दंगे होते हैं, विकास नहीं दंगों पर फोकस होता था, आज उस छवि से उत्तर प्रदेश उभर चुका है। विगत 5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा न होना, विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है और वह विश्वास है कि अगर हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून भी हमें संरक्षण देगा और उसी कानून के राज की स्थापना के लिए हमारे सभी जवानों को अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूरे मनोयोग के साथ कार्य करना है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने न केवल भर्ती और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। और खासतौर पर जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हम लोगों ने 2018 में डिजिटल प्रशिक्षण के लिए वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना के कार्य को प्रदेश के अंदर सभी आरटीसी के क्लासरूम में उसे पहले ही हम उस सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। 2019 में पहली बार पुलिस प्रशिक्षकों को तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर डिजिटल कंटेंट का भी शुभारंभ प्रदेश में किया गया जिसके माध्यम से प्रदेश के 31 केंद्रों पर स्थापित वर्चुअल क्लासरूम में जो प्रशिक्षु थे उन्हें साइबर अपराध आदि तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण भी विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान कराया गया। प्रशिक्षण की क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही 2 नए पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भी प्रदेश के अंदर स्थापित किए गए। प्रदेश में पहली बार 9 प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर आउटडोर एवं टर्नआउट हेतु 3 नर्सरी स्थापित की गई। इसके फलस्वरूप पुलिस प्रशिक्षकों की दिल में विशेष सुधार परिलक्षित हो रहा है। प्रथम बार प्रशिक्षण संस्थानों में एक अपराध साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की भी स्थापना की गई जिसमें आधुनिक साइबर टूल्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोतवाल धन सिंह गुजर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीएस मेरठ को अत्याधुनिक स्टेट ऑफ हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र पर साइबर अपराध के अलावा की व्यवस्था ये भी प्रदेश में पहली बार होने जा रही है। ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा।
समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत कर वहां पर फायरिंग आर्म्स सिमुलेटर तथा ड्राइविंग सिमुलेटर की स्थापना भी प्रस्तावित है ताकि पुलिस बल की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। प्रदेश में पहली बार यूपी एसएसएफ का जेल भाजन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020-21 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए भी पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को समस्त प्रदेशों में प्रथम स्थान तथा संपूर्ण भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि भी प्रदेश पुलिस बल के लिए एक गौरवपूर्ण है। संपूर्ण भारत के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण और अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। प्रदेश को अपराध मुक्त तथा भय मुक्त बनाए रखने जो संविधान और विधि का पालन करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा बोध कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस बल की है। आप सभी प्रशिक्षुओं ने कठोर परिश्रम एवं रुचि लेकर के अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भव्य परेड की प्रस्तुति यहां पर दी। इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे अपनी सार्थकता स्थापित करेंगे और राज्य और पुलिस बल के गौरव को निरंतर बढ़ाएंगे। जय हिंद। जोरदार तालियां। महाराज जी के ओजस्वी उद्बोधन के लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि से आभार व्यक्त कर दीजिए। साथियों, आज के दीक्षांत उद्बोधन में पीएसी रिक्रूट में कर्तव्य परायणता और सेवा की भावना का संचार करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन और श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से मैं अनुरोध करता हूं कि आज के शानदार कार्यक्रम की 15,487 पीएसी के जवान शामिल होंगे। पीएसी में शामिल होंगे, भर्ती और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि यूए कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है। सीएम योगी ने ली परेड की सलामी। पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करता हूं। और रुकिंग छोड़